जोल के पेरेंट्स जब घर से बाहर गए हुए थे तो उसने सेक्स वर्कर को बुलाया। वो कुछ ट्रबल में आ जाता है, इस वजह से अपने सारे फ्रेंड्स को भी उसने घर पर बुला लिया था। इससे वो बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिस्की बिजनेस इन 1983 की एक कॉमेडी रोमांस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलग अलग सिनारियो इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जोल को देखते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट कर रहा था। उसे जो अजीब सपने आते हैं इसके बारे में वो बता रहा था। वो ब्रैगिंग करते हुए कहता है, कल रात में मेरे नेबर की बेबी सीटर के साथ था। उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है माइल्स। वो माइल्स को कहता है कि मैं बहुत डर गया था, इस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाया। माइल्स ने उसे एडवाइस दी, कहा कभी कभी लाइफ में आपको केयरफ्री रहना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेकर बोलना पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। जोल के पेरेंट्स टाउन से बाहर जाने वाले थे तो माइल्स ने कहा, इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने मत देना। जोल के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उसे कहकर जाते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो ये घर जैसा है वैसे हमें मिलना चाहिए, कुछ भी चीज़ों को हाथ मत लगाना। फादर का म्यूजिक सिस्टम था, उसे जोल का चेहरा उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब उसके पेरेंट्स चले गए तो जोल घर में अकेला बहुत ही जोर से म्यूजिक चलाकर बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ था तो उसे पता चलता है उसके फ्रेंड को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है। वो और उसका और एक फ्रेंड जिसका नाम है बैरी, ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें भी बिजनेस करना चाहिए, इससे उनके ग्रेड बहुत इम्प्रूव होंगे। एक डिवाइस से सेल करने वाले थे और इसी पर वो काम करने लग गए। तभी उनके घर पर इनका एक फ्रेंड आता है। जोल के पेरेंट्स घर पर नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया था। वो दोनों ऊपर गए और इंटीमेट होने लग गए। उनकी आवाज़ें इन दोनों को बहुत डिस्टर्ब करती है तो घर से बाहर चले जाते हैं। जोल के फादर ने उसे मना किया था पर फिर भी जोल उनकी पोर्श कार निकाल कर ड्राइव के लिए चला जाता है। लड़कियों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे थे। सिग्नल पर एक गाड़ी उनके साथ थी तो उसके साथ रेस भी लगाई। आज रात बहुत एंजॉय किया। अगले दिन जोल से मिलने के लिए उसका फ्रेंड माइल्स आता है। वो कहता है, अब तुम्हारा घर खाली है, इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने नहीं दे सकते। वो न्यूज़पेपर में सर्विस प्रोवाइड करने वाली लड़कियों के बारे में देख रहा था। जोल इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो डर रहा था। तो माइल्स ने डायरेक्टली कॉल कर दिया, रात में 8 बजे घर पर बुला लिया। जोल माइल्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जोल ने फिर से उस नंबर पर कॉल किया पर सिर्फ मैसेज जा रहा था। उसने मैसेज कर तो दिया पर रात में ठीक 8 बजे उसके डोर पर नॉक आई। उसने खोला तो एक गेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली थी। जोल गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करता, हेल्प मांगता पर उसका फ्रेंड आने नहीं वाला था। इस आदमी ने जोल से कहा कि मैं इतनी दूर तक आया तो तुम्हें मुझे सर्विस के लिए प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जोल को उसके पेरेंट्स जो भी पैसे देकर गए थे ये सारे उसे पे करने पड़ते। जाते जाते आदमी उसे एक नंबर देकर गया, कहा तुम्हें इसकी जरूरत है। रात में जोल को गर्लफ्रेंड की नीड महसूस होती है। जो नंबर उसे मिला था इस पर वो कॉल कर देता है। हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लाना, ये उसके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आई। वो रात में उसके साथ इंटीमेट हो गया। सुबह वो उससे उसका चार्ज पूछता है तो लाना ने कहा कि $300। जोल के पास तो उतने सारे पैसे नहीं थे। वो कहता है मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, वो बॉन्ड वगैरह ब्रेक करेगा उससे उसे पैसे मिल सकते हैं। लाना कहती कि मुझे ज़्यादा वेट करना अच्छा नहीं लगता। जब वो वापस आता है तब तक लाना वहाँ से चली गई थी, पर जोल की मदर का एक एंटीक पीस वो अपने साथ लेकर गए। जोल बेचारा ट्रबल में आ जाता है, इस पीस को फिर से वापस लाने में उसे पैसों की ज़रूरत थी। सारी प्रॉब्लम फिर जोल ने अपने फ्रेंड को बताए। लाना को ढूंढते हुए वो एक होटल में आ गए थे जहाँ पर उसे नोटिस करते हैं। वो होटल से बाहर आई और कहती कि मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर चलो। लाना का मैनेजर उसका पीछा कर रहा था। जोल ने उसे कहा कि पहले तो मुझे मेरा एंटिक पीस वापस करो। लाना उसे प्रॉमिस करती है कि जल्द से जल्द उसे वो वापस कर देगी। तब तक वहां पर लाना के मैनेजर पहुंच गया था, वो उससे ही भाग रही थी। वो अपनी गन निकाल लेता है। जोल भी ये देखकर डर गया था, जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मैनेजर उनका पीछा करने लग गया। उसे पीछा छुड़वाने के लिए जोल को बहुत ही फास्ट गाड़ी चलानी पड़ी। फाइनली अपनी स्पीड की वजह से उसे वो चकमा दे ही देता है। जोल पूछता है कि तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। लाना ने कहा कि हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए मैंने उसे कुछ पैसे लिए थे, मैं उसके लिए काम करती हूँ पर अब नहीं करना चाहती, वो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था। जोल में उसे रात भर अपने घर में रहने तो दिया पर अब उसे स्कूल जाना था तो उसे निकल जाने के लिए कहता है। लाना इसके लिए उसे मना कर देती है, वो जा ही नहीं रही थी तो स्कूल चला जाता है। जब वो वापस आया तो उसका एक फ्रेंड घर से बाहर निकल रहा था। जोल उसे पूछता है क्या लाना के साथ तुमने कुछ किया। उसका फ्रेंड कहता है कि उसके साथ नहीं, लाना के साथ उसकी और एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। जोल अंदर आकर कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा।
लाना उसके घर के लिए उसे पे करने के लिए भी रेडी थी, पर जोल इसके लिए मना कर देता है। इन दोनों को उसने घर से बाहर निकाल दिया। तभी लाना का मैनेजर उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुका था। लाना और मैनेजर में फाइट हो जाती है और वो जल्दी से भागते भागते फिर से घर में वापस आ गई। मैनेजर से बात करने के लिए जोल घर से बाहर आया। मैनेजर उसे धमकी देता है, तुम्हें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता हूँ, तुम हर्ट भी हो सकते हो। जोल ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा, फिर भी मैनेजर उसे धमकी देकर वहां से चला गया। लाना जोल से कहती है कि थोड़ी ही दिनों की बात है, तुम्हारे पेरेंट्स के वापस आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, वो इसके बदले में उसका एंटिक पीस भी वापस कर देगी। रात में उसके पास आई, कहती है क्यों ना हम ड्राइव पर चले। ये ड्राइव पर गए और वहां पर हाई हो गए थे। लाना ने अब उसे एक बिजनेस प्रपोजल दिया। वो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ही रिच है, मेरा भी एक अच्छा नेटवर्क है, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो दोनों बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इसके बदले में थोड़े दिनों के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहूंगी। जोल इस पर कुछ भी नहीं बोलता, वो उसे पूछता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। लाना कहती है मेरे स्टेप फादर मेरा फायदा उठाना चाहते थे, तो इसी वजह से वो घर से बाहर चली गई। वो ये सब काम करती है तो इस वजह से जोल उसे जज कर रहा था, ये लाना को अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से वो चली जाती है। ये सब एक हिल पर खड़े थे, वहां पर गाड़ी भी थी, तो अचानक से गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है, आगे पानी था। जोल ने गाड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की पर फिर भी वो लेक में चली जाती है। अब वो बहुत बड़े ट्रबल में था, अगर उसे इस गाड़ी को सेव करना है तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों की वजह से अपनी स्कूल भी उसने मिस कर दी थी, उसकी अटेंडेंस लग जाए इस वजह से अपने स्कूल के लोगों से भी बात करता है पर कोई भी मान नहीं रहा था। गुस्से में उसने उस लेडी की भी कॉलर पकड़ ली थी, तो इस वजह से उसे 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वो फ्री भी था और उसे पैसों की जरूरत भी थी, तो डायरेक्टली वो लाना के पास आया। इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। कस्टमर एक्विजिशन का काम जोल का था, तो अपने सारे फ्रेंड्स को लाना के पास वो लेकर आता है। इनका बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि घर में बहुत सारे लोग आने लग गए थे। जोल के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इस वजह से उसके फादर ने एक जुगाड़ किया था। डायरेक्टली कॉलेज के इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ही उसके घर पर भेज दिया था। जब वो घर पर आया तो ये सारी पार्टी देखता है। जोल और वो शांति के लिए एक रूम में गए, पर यहाँ पर इतना सारा बिजनेस चल रहा था तो हमेशा उन्हें कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। लाना भी उनके सामने आकर बैठ गई थी। इंटरव्यू लेने वाले जोल से पूछते हैं तुम आगे क्या करना चाहते हो। जोल ने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जोल के परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, तो उसे पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। जोल कहता है कभी कभी लाइफ में आपको कहना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो ज्यादा इस बात के बारे में केयर नहीं करता। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद भी इंटरव्यूअर वही रुका, पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लाना जोल के पास आती है। जोल कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लाना ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बहुत सारे पैसे बनाए, तुमने प्रूव किया कि तुम एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लाना आज रात जोल के साथ ट्रेन में इंटीमेट होना चाहती थी, तो दोनों ट्रेन में चले गए। सब लोगों के जाने के बाद वहीं पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब जोल के पास पैसे आ गए थे, तो नेक्स्ट सीन में अपने फादर की कार वो लेकर आता है। जब वो घर पर वापस आया तो घर का सारा सामान गायब था। उसे लगता है कि लाना ने ये सब चोरी कर लिया। वो उसके घर पर कॉल करता है, पर लाना का मैनेजर उसके घर पर पहुंचा हुआ था। एक्चुअल में लाना के मैनेजर ने ही उसे बदला लेने के लिए उसका सारा सामान चोरी कर लिया था। जोल बहुत मजबूर था क्योंकि आज ही उसके पेरेंट्स आने वाले थे। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है और मैनेजर सारा सामान लेकर वापस आ गया, पर जोल के पास जो भी सारे पैसे हैं ये सब कुछ उसे मैनेजर को वापस करने पड़ते हैं। लाना के साथ जो भी बिजनेस उसने किया इसमें उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। उसने अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प ली और सारे घर को जैसा था वैसा ही लगा देता है। उसे अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से पिकअप करना था पर इस बात को इग्नोर कर देता है। वो जब तक घर पर पहुंचे तब तक वो सामान ही लगा रहा था। फाइनली सब चीजें जैसे की तैसे लगा देता है, पर उसकी मदर ने उसकी एंटीक पीस पर एक स्क्रैच देखा, ये उसे अच्छा नहीं लगता, इसे लेकर वो उस पर गुस्सा थी। पर जोल को इस छोटी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसने जो भी किया इस बात से वो प्राउड था। थोड़ी देर में उसके फादर उसके पास आए, कहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो आदमी तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। जोल को लगता है कि अब उसके फादर को सब कुछ पता है, पर जोल का एडमिशन हो चुका था। वैसे भी वो बिजनेस ही करना चाहता है और इंटरव्यूअर ने देख लिया था कि वो अच्छी तरीके से बिजनेस करता है, तो इस वजह से उसका एडमिशन हो चुका है। फादर भी बहुत खुश थे। वो कहकर जाते हैं कभी कभी लाइफ में आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। अब मूवी में कुछ टाइम बीत गया था। जोल लाना से मिला और उसे पूछता है क्या सब कुछ चीजें सेटअप थी, क्या तुम मेरा यूज कर रही थी। लाना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था, डिनर करते बहुत सारी बातें करते।
फिर से आज रात इन्होंने एक साथ बिताए और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।